दोस्तों काफ़ी सारा वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा, शेर जो है बहुत ही खतरनाक तरीक़ों से जो है शिकार करता है। तो कई कई बार जो है देखा गया है शेर जो है मार खा जाता है बहुत खतरनाक तरीक़ों से। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से जो है बफेलो आकर जो है खतरनाक तरीके से देखिए हवा में जो है दो पाँख घुरा देता है। देखिए खतरनाक तरीक़ों से भाई साहब, तो शेर जो है यहाँ से दुम दबा कर जो है भाग जाता है। देख सकते हैं आप लोग खतरनाक तरीके से जो है हवा में उछाल देता है, तो वहाँ से जो है भाग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तो इस बफेलो को जो है पूरा झुंड मिल के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी जो है एक शेर को जो है हवा में उछाल देता है और सभी भाग जाता है, और एक शेर जो है दुबला पतला होने की वजह से फंस जाता है। देख सकते हैं काफ़ी हालत ख़राब। तो जितना भी शेर क्यों ना हो कभी ना कभी जो है मार खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक शेर जो है घूम रहा है अस्थिर अस्थिर धीरे, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक हिप्पोपोटामस जो है सो रहा होता है और शेर जो है पीछे से जाके उसे उठा देता है। तो शेर को तो पता नहीं है किससे पंगा ले लिया है। देखिए शेर को जो है बहुत खतरनाक तरीक़ों से जो है उसका सर जो है मार सकता था, तरबूज की तरह ही जो है इसका सर को भी उसे मार देता। तो आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी खतरनाक तरीक़ों से जो है इसे मार सकता था। तो तभी जो है बच के वो भाग जाता है शेर। तो आप लोग देख सकते हैं तो खतरनाक तरीक़ों से जो है वो बचता है। शेर का नसीब अच्छा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो शेर जो है यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीक़ों से जो है शिकार करने के लिए देखा गया है। तो आप लोग भी देख सकते हैं तो बहुत खतरनाक तरीक़ों से जो है शिकार करता है, लेकिन जो है वही शेर जो है यहाँ पे भी दम दबा के भागता है। तो कैसे भागता है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए जाम करने के बाद भी जो है पकड़ लेता है, तो पकड़ने के टाइम जो है वो बहुत खतरनाक तरीक़ों से छलांग लगाता है। देखिए फिर जो है यहाँ पे एक पानी पी रहा होता है तभी जो है पीछे से आके पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए उसका सिंग लेके देखिए उसका पीठ में घायल करने के बाद जो है भाग जाता है। हाँ तो दोस्तों एक शेरनी अगर आठ छः सात आठ बच्चे दे दे तो कितना बच्चा होगा जंगल में, आप लोग खुद से सोचिए कितना शेर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग छः बच्चे यहाँ पर एक शेरनी ने दिया है। अगर इतना बच्चे यदि अगर एक शेर देता है एक शेरनी अगर इतना बच्चा दे तो जंगल में कितना शेरनी है कितना बच्चा होगा आप लोग खुद से सोचिए। इसीलिए जो है शेर जो है जंगल में बहुत ज़्यादा हो गया, गांव घर में भी घुस आता है। जंगल में जो है सभी का नसीब का खेल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेर जो है मगरमच्छ के साथ जो है भिड़ा हुआ होता है, तभी जो है एक बफेलो जो है उसे देख करके उन लोगों को दौड़ाने आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं तो शेर जो है उसका खेल तमाम कर देता है। आप लोग देख सकते हैं तो किस लिए आना चाहिए। तो देखिए तो ये बफेलो का मौत ही था, तो इसीलिए जो है शेर के सामने आ चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग खुद से खुद आया है मरने के लिए। तो उसे भी पता नहीं था शायद आज मेरा मौत है, ऊपर वाले ने जो है लेख के रखा था। तो देख सकते हैं बहुत खतरनाक तरीके से जो है पकड़ रहा था और उसके बाद उसका साथी लोग भी आके जो है पकड़ लेता है। बफेलो का झुंड भी जो है देखा गया है जंगल में, लेकिन वो आ नहीं रहा है और इसे जो है यहाँ पे पलट दिया है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक तरीक़ों से जो है पलट के रखा हुआ है, अभी तो इसे खा के ख़त्म कर देगा हमको लग रहा है। तो देखिए पूरा झुंड जो है आ चुका है उसे बचाने के लिए। देखिए तो खतरनाक है भाई साहब, पूरा झुंड आ चुका है। देखिए तो छोड़ के भाग दिया, तो शेर को लग रहा है पूरा झुंड आ चुका है यहाँ से भागो, लेकिन जो है बफेलो का उठने का ताकत ही नहीं है खेल तमाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डियर जो है घूम रहा होता है, तभी जो है एक चीता जो है पीछे से जाके हमला करके उसे पकड़ लेता है। तो देखिए तो यहाँ पे चीता जो है घायल हो सकता है, लेकिन जो है चीता का छोटा छोटा बच्चा होता है, तो देखिए वो बच्चा भी जाता है लेकिन जो है वो शिकार नहीं कर पाता है। और चीता जो है दुबला पतला होने की वजह से जो है चीता छोटा छोटा शिकार करता है, बड़ा शिकार कर नहीं पाता है क्योंकि चीता का साइज ही छोटा है। सारा वीडियो क्लिप में देखा गया है शेर जो है बहुत बड़ा बड़ा शिकार करता है, लेकिन जो है चीता कर नहीं पाता है। अगर चीता का झुंड हो तब कर पाता, लेकिन जो है चीता लोग एक साथ नहीं रहता है, वो अकेला अकेला रहता है, इसीलिए जो है वो बड़ा शिकार कर नहीं पाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डियर का खेल तमाम हो चुका है।
तो अभी जो है वो छोड़ देगा और बच्चे लोगों को खाने के लिए दे देगा। तो आप लोग देखिए बहुत खतरनाक तरीके से जो है पकड़ा था, तो देखिए खतरनाक है भाई। जंगल के दुनिया में एकमात्र कानून है मारो या मार दो। देखिए तो इसे खेल समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एलिफेंट जो है कितना बड़ा होता है, आप लोगों ने तो देखा होगा, सामने से भी देखा होगा। तो एक एलिफेंट को देखिए, वो शेर ने जो है पीछे से ऊपर उठ के दो पकड़ा हुआ है और जो है इसे पलटने की कोशिश भी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक ये नज़ारा है भाई साहब, इतना बड़ा एलिफेंट को पकड़ लिया है, तो सोचिए शेर कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए जो है शेर भी बहुत बड़ा होता है और शेर जो है मांसाहारी होने के वजह से जो है उसका ताकत भी ज़्यादा होता है। देखिए तो एलिफेंट को यहाँ पे गिरा दिया है, तो मतलब एलिफेंट का खेल यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शुतुरमुर्ग जो है वो शाकाहारी होता है, जंगल का घास उस खा के जिंदा रहता है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये बहुत ही बड़ा भी होता है और जो है 60 किलोमीटर पर आवर पर जो है वो भाग भी सकता है, तो बहुत ही वो तेज भाग सकता है क्योंकि उसका पैर जो है बड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए लंबा होने की वजह से भाग भी सकता है। तो इसने जो है चीता को देख लिया और चीता जो है धीरे धीरे पीछा कर रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये नज़ारा भी बहुत खतरनाक है। शुतुरमुर्ग का जो है इतना बड़ा शुतुरमुर्ग आप लोग देख सकते हैं, तो उसे आज पकड़ के खाएगा बोल के सोच रहा होगा शायद। तो कितना स्पीड से भाग रहा है आप लोग खुद से देखिए। तो ये शुतुरमुर्ग कितना खतरनाक होता है, अगर इसका चोंच अगर आदमी का सर पे मार दे तो सर जो है फाट सकता है। एक बड़ा शुतुरमुर्ग का वेट बोले तो 150 से 200 केजी तक हो ही जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक चीता जो है उसका ऊपर उठ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए।